हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग दिस मोमेंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ छठ पूजा की। छठ पूजा हमने कैसे मनाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और इसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में बताऊंगी क्यों छठ माता को पूजा जाता है, क्या क्या मान्यताएं हैं इनको लेकर। तो मैं आपको ये वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फ्रूट्स लाए गए हैं। फ्रूट्स को एक बार धो चुके हैं, बट कल अच्छे पानी से इसे धुला जाएगा दो बार, फ्रेश पानी से, जो नल का पानी आता है उससे धुला जाएगा ये इतने सारे फ्रूट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेहंदी लग रही है और हमें मेहंदी भी मेहंदी लग चुकी है, बस ऐसे छोटे से लगाई है और बज रहे हैं दो। हम जा रहे सोने के लिए, बहुत रात हो गई। ये देखिए, ये भाजी सब लेना है, तो ये दुधिया है, दूधी जिसको बोलते हैं, और ये सफेद कोड़ा। ठीक है, सफेद कोड़ा इसको धो धो के हम इसमें रख रहे हैं, और ये कद्दू है, कद्दू है, और ये काकड़ी है, काकड़ी खरबूजा बोलते, खरबूजा इसको, ओके खरबूजा है, और ये बैगन, और ये सेम सेम है, और ये छीमी है, वटाना है, वटाना अभी ये यूपी में छीमी बोलते हैं, सिंगाड़ा है, और ये सिंगदाना है। हाँ, नीचे नीचे देखिए, और ये चौली है, और ये सूरन है, सूरन नीचे रखो आप, हम दिखाओ, ये आंवला है, ये रतालू है, क्या बोलते हैं वो, अरबी है क्या ये, अरबी है, हाँ ये क्या है, शकरकंद है, शकरकंद, और वो है तुंडली है, तुंडली, हाँ। हाय, अभिषेक आया है। ये बोर है, बोर, हाँ, छोटा वाला बोर, छोटा वाला बोर, हाँ, ये भी धो के रख लेंगे। तो ये सारे भाजी है, और भी भाजी है क्या, देखो इसके अंदर है शायद, वो भी धोकर हम इसमें रख लेंगे। हाँ, हाँ। तो ये देखिए, ये सारे फ्रूट्स हम आपको बता रहे हैं कौन से फ्रूट्स हमने लिए हैं। ये पाइनएप्पल, ये पूरा अखा अखा ही लगता है, और ये खरबूजा है, खरबूजा, पेरू है, हाँ, पेरू मतलब ऐसे एक एक नहीं लिया हुआ है, ऐसे आधा आधा किलो लिया है ना, तो आधा आधा किलो सब फ्रूट्स लिए गए। ये अनार, एप्पल, संतरा नहीं, मौसम्बी है, ये मौसम्बी है, ये संतरा है, संतरा, हाँ, ये सारे धोकर ही रखे हैं, तो आपको बता रहे हैं। ये नींबू, नींबू भी लगता है इसमें, और ये चीकू है, इसको क्या बोलते हैं, स्टार फ्रूट है ये, स्टार फ्रूट, तो ये स्टार फ्रूट, और ये केला, केला रखो इसके ऊपर, रखो, हाँ, ये केला है, और ये गन्ना लगता है, हाँ, ये पपीता, ये गाजर लिया है, पेर है, पेर है, हाँ, ठीक है, और ये हो गया सीताफल, ये सुपारी, सुपारी, ये हल्दी का गाठ, ओके, ये नारियल है छिलके वाला, कोसी भरते तभी लगता, और ये मतलब ये सादा हमेशा लगता, कभी कोसी भर है इसलिए हमने ये छिलके वाला भी लिया है और ये नॉर्मल वाला भी लिया है। अगर आप कोसी नहीं भर रहे हो तो सिर्फ ऐसे वाले नारियल लगे, तो हल्दी लगता है, ये है हल्दी का घाट, ये अर्घा देने के दिन सुबह लगता है, तो ये जरूरी होता है ना, ठीक है, ये देखो ये पत्तों के साथ है, ये कोसी भरते है तो पूरा कुंडी वाला मूली लगता है, एक एक कोसी में जाता है, एक एक मूली,
और ये जब सुबह अर्ग देते हैं तो ये मुनी लगता है। तो फिर अगर कोसी नहीं भरना हो तो फिर ये वाला चल जाएगा। ये वाला चलता है ठीक है। और ये पान लिया है, ये पान कितना लिया भरने टाइम लगता है? कितना लगे? 12 पान, मतलब दो कोसी भरी है इसलिए हमने 6 तो एक कोसी आपको भरना है तो 6 पान लगेंगे। बतासा बोलते हैं, कोसी भरते तो ये भी लगता है और ये पांचों मेवा भी लगता है, काजू, छुहारा, बादाम, पिस्ता और ये नारियल। अगर कोसी भरते तो दो लगता ना, एक लगता है। हाँ, मतलब ये ड्राई फ्रूट जरूरी नहीं है, अक्सर कोसी भरने के लिए ही लगता है, नहीं तो नारियल लगता ही है, एक ही लगेगा। कोसी भरना आपको तो ये 12 दिया लगेगा। हाँ, एक कोसी के लिए कितना लगेगा? 6 कोसी के लिए 6, डबल कोसी के लिए 12। तो ऐसे ये दिए लिए हैं बड़े बड़े, अपने ऊपर है। सरसों का तेल लो या तो तिल का तेल। हाँ, तो हमने लिया है सरसों का तेल, लगता है राई का तेल लिया है। ठीक है, पटाखा बोलते हैं, ये नारियल ऊपर रखते हैं। ओके, मतलब ये कापूस में सिर्फ रंगा हुआ है, ये कलर रंगा हुआ है। पटाखा बोलते हैं, नारियल ऊपर रखते हैं, इसको रख करके ये भी रख देते हैं। अच्छा, ये है चावल का लड्डू जो हमें हमने बनाया, वही है मेन ये रहता है, मेन यही रहता है। कोसी भरते टाइम ही लगता है, मेन ये रहता है। ये मतलब 6 लगेगा, 6 वो कोसी, 6 वो कोसी, 12 लगता है। और प्रसाद के रूप में भी आपको देना है। प्रसाद के रूप में देना है। ठीक है, तो ये हमारा बनके हो गया। आपको बताया कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, वो आप देख सकते हो। अगर आपको कोसी भरना हो तो ये आपको लगेगा, कोसी नहीं भरना तो आपको ये इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी पूरी बनेगा ना, मीठी पूरी और सादी पूरी बनेगी। 6 दिया बना रहता, वो 6 दिया पे तेल डाल के बत्ती जलेगा इस पे शाम को टाइम घर पे। अच्छा, तो ये लेके नहीं जाते, यही मतलब यही है। हाँ, यही रहता 6 दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अभी पेस्ट लगा दिया है पूरे 12 दिए को। आप देख सकते हो ये सूख गए हैं, सूख के ऐसे दिखते हैं, ये गीला है थोड़ा। ये मेरी चाची है और ये भी तैयार हो गई है। हाँ, रेडी। और इनका पूरा लुक देखिए, जितना मैं दिखा पाऊँ, नहीं तो मैं उधर जाके दिखा दूंगी। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। और ये है मेरी दादी, ये सबसे बड़ी है चाल में, और यही बताएंगी हमें छठ की पूजा की क्यों की जाती है। तो दादी बताइए। छठ पूजा इसलिए किए जाते हैं कि भगवान का बहन छठ मई थी, सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान। हाँ, इसके लिए उनको माना जाता है कि जो हम लोग का जो मानता था वो पूरा हो जाता है। हाँ, तो मतलब वो मानता पूरा करती है, पूरा करती है, इसलिए सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है ताकि वो खुश हो जाए। हाँ, मतलब छठी माता को अर्घ इसलिए दिया जाता है। हाँ, खुश हो। अच्छा, परिवार जितना परिवार रहता है सबको खुश रखती है। हाँ, सब लोग उनका व्रत उठा रहे हैं। हाँ, बराबर, सब लोग उनका पूजा धरना दे रहे हैं, इसीलिए सबको खुश रखती है। हाँ, जिसके मन में जो था वो पूरा कर देती है। हाँ, इसके लिए उनको मनकर्मा पूरा करती है तो सब लोग उनको खुशी राजी से उठा लेते हैं। अच्छा, तो ये ज्यादातर बिहार में होता है और अभी थोड़ा बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश में शायद होता है ना, बिहार तो से पहले तो शुरू बिहार से आया। हाँ हाँ, अभी सब लोग छोटा बड़ा सब लोग लेते हैं। हाँ, मतलब सब लोग का, क्योंकि मानता पूरा होता है जैसे कर, इसके लिए सब लोग ने चाहता सब लोग ले। हाँ, तो इसमें सारे परिवार इसमें मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग जितने भी परिवार में सदस्य हो, सब लोग मिलजुल के करना पड़ता। हाँ, कि भाई अपने अपने खुशी के लिए सबको चाहती है। हाँ हाँ, सब तो लोग करते। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी मम्मी भी पहले नहीं किया करती थी, मम्मी भी नहीं की करती थी, तो दादी मुझे मेरी मम्मी को लेके जाती थी। तो वो मेरा भाई है, वो वही मानता से आया हुआ है ना। हाँ, उन्हीं के देन से आया है, तो तब से मेरी मम्मी भी करने लगी, तब से हम लोग भी उसमें शामिल होने लगे। तो आज ये कोई
जात ये कोई कास्ट नहीं देते, उनका मन्नतों पे है कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, अगर दे दिए तो वो उनके साथ पूरा कर दे, पूरा कर दे। वो नियत है कि भाई नहीं ये यूपी के है तो यूपी के, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मतलब कोई भी आए, हाँ कर सकते, हाँ बस अपने श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा अच्छा होनी चाहिए, बस सही बात है। हाँ हाँ, अभी तो सब लोग मतलब जितना जैसे जैसे आता रहता है लोगों को उसका मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से, हाँ धूमधाम से मनाया जाता है। छुट्टी भी सैंक्शन हो गया शायद छठ के टाइम पे हो रहा है, पता हुआ नहीं है, मुझे नहीं पता है। हाँ हाँ हाँ, पहले नहीं होता था, हाँ अभी उस चीज को मान्यता ज्यादा। हाँ हाँ, तो जैसे दिवाली हम इतना बढ़ चढ़ के मनाते हैं वैसे ये भी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारे परिवार वाले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। शाम को ये पूजा कर कर सूर्य भगवान को, डूबते सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और वापस सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, तभी ये पूजा व्रत पूरा कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि छठ माता का व्रत क्यों किया जाता है, ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के कारण ही धरती पर जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा क्यों की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर महाभारत काल में से मिलता है। कवदतियों के अनुसार दानवीर कर्ण का जन्म भगवान सूर्य देव के वरदान के कारण ही हुआ था, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण उन्हें कवच, कुंडल और वीरता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, इसलिए प्रतिदिन वह लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए और कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे। तभी से ही अर्घ देने की इस परंपरा का पालन किया जाता है। तो इसीलिए हम सूर्य भगवान को, डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है इस व्रत में, इस छठ पर्व में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको छठ माता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी माना जाता है। साथ ही कई जगह इन्हें सूर्य देव की बहन के रूप में भी बताया गया है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। माना जाता है कि माता छठी की उपासना करने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता छठी की उपासना को बहुत कारगर माना गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, घर पर आते ही कोसी भरने का कार्यक्रम जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो गया, जिनसे मैंने आपको पहले मिलाया था। मेरी दादी जो चाल की बड़ी है, मैंने आपको बताया था, वही सारा चीज़ यहाँ पर कर रही हैं। और भी लोग आएंगे, अभी औरतें आएंगी, वो सारा चीज़ यहाँ पर करेंगी। यहाँ के लोकगीत जो है होते हैं वो गाएंगी देवी माता की, तो यहाँ पे वो ही सब चल रहा है। दो कोसी मेरी मम्मी भर रही हैं इस साल, क्योंकि मेरी भी शादी हाल ही में हुई है और मेरी बहन की भी शादी हुई है और मेरे भाई की भी शादी हुई है, तो तीन नहीं रखा जाता है, इसलिए दो में ही हम तीनों की कोसी भरी जा रही है। तो ये देखिए, ये सारा चीज़ जो है वो कोसी के लिए ही होता है। आपको मैंने लड्डू जो बताए थे, जिसे खर भी कहा जाता है, वो सारे दियो में रख रहे हैं। इसमें पोहा रखा जाएगा और वो जो मटका है, मटके में सारा पोहा और फल जितने भी हमने लाए हैं वो सारे एक एक करके उसमें रखे जाएंगे। सारा चीज़ जो है वो मम्मी करेंगी, इन्होंने सब तैयारी करके दे दिया है। अब सारा आगे का जो है वो बताते जाएंगे तो मम्मी करते जाएंगे। ज्योति दे दो माँ उसको उम्र भर के लिए।
बेचैन है माता रस के लिए। एक बाजी उधर से चली आ रही, चलते चलते ओ माँ के मंदिर गई, माँ के मंदिर गई, माँ के चरणों गिरी। मेरी अम्मे मेरी दुर्गे जरा कबूल करे, पुत्र दे दो, पुत्र दे दो माँ उसको उम्र भर के लिए, पुत्र दे दो माँ उसको उम्र भर के लिए। मेरी अम्मे मेरी दुर्गे जरा कबूल करे लो, मोहब्बत करने की जरा सी हमसे भूल करे लो। मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन है माँ तरस के लिए, मेरा दिल बेचैन है माँ तरस के लिए। एक लंगड़ा उधर से चलाया रहा, चलते चलते माँ के मंदिर गया, माँ के चरणों गिरा। मेरी अम्बे मेरी दुर्गे जरा कबूल करे लो, पैर दे दो, पैर दे दो माँ उसको उम्र भर के लिए, पैर दे दो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं तालाब के पास वापस। सुबह के कुछ 4 बजे हम यहाँ पर पहुंच गए थे और अभी बज रहा है 4:30। और मम्मी यहाँ पर दिया लगाकर उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये देखिए ये तालाब है, लोग अभी आए नहीं हैं, आना शुरू हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूर्य उदय होने ही वाला है, तो सारी औरतें यहाँ पर तालाब में आ गई है उन्हें अर्घ देने के लिए, जिनका भी व्रत है, जो पूजा करने यहाँ पर आई हैं। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, कितने लोग में मान्यता है, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह हमने छठ पूजा बहुत ही अच्छे तरह से मनाई। तो ये वीडियो मैं बस यहीं पर एंड करूँगी। आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।